ओ गए आ गए ओ भाई साहब जाम पर जाम पीने से क्या फायदा विनय ठाकुर साहब जी। और हम पहुंच चुके हैं अपने कैंप और यहाँ इंतजार कर रहे हैं अपने पारस भाई। क्या हाल है पारस भाई? नमस्ते, आप सुनो। सब बढ़िया भाई, बाकी कैसा रहा? सब बढ़िया रहा यार। ये है अपने कैंप का रूम, ये देखो। हाँ भाई प्रशांत। खुशी देखो, इसकी खुशी देखो। ये देखो पूरा टेंट लग रहा है यहाँ पे और ये अपना बेड। और हम निकल चुके हैं डेजर्ट सफारी के लिए। तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है चश्मे में? थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं डेजर्ट सफारी के लिए। फिलहाल यहाँ के रास्ते भी टेढ़े मेढ़े हैं, बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है कि हम उड़ जाएंगे। ओए ओए ओए, हम चढ़ चुके हैं डेजर्ट पे और फुल मजे आ रहे हैं एकदम मस्त करके। वो देखो सामने, ओए ओए ओए, ये देखो ये देखो, ये गई अपनी गाड़ी नीचे वापस से ऊपर। यार ये खतरनाक। ओ भाई साहब, ये गई गाड़ी नीचे अपनी। को भाभी रेडी हो गए हैं। भाभी बस एक चीज की कमी लग रही है, पूछो क्या? हाथ ऐसे करूं, हाथ ऐसे तो करूं, बस यहाँ पे एक बाज होना चाहिए। ये देखो भाई साहब, थार डेजर्ट के नजारे। गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है राजस्थानी ड्रेस में। ला 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 ला। यहाँ भाभी का चल रहा है फोटोशूट। और देखो ये है हमारे आज के कैमरामैन, जो स्पेशल क्या बोलते हैं उन्हें, प्रशांत, राजस्थान से बुलाए गए हैं स्पेशल। कहाँ से? काटबेलिया से हो? नहीं, काटबेलिया वो एक कम्युनिटी है। अच्छा। ये देखो कहाँ चल रही है रेत में, छोटा रेत में छोटा सा कीड़ा चल रहा है देखो। ओ भाई साहब, पकड़ना पकड़ना, गई मुंह पे रेत गई। अरे यार कैसा लगा रेगिस्तान? बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत रेता ना, घुटन घुटन रेता। मम्मी तो मस्त रेत में पैदल चल रही हैं। बेटा बना रहा है भगवान द्वारा, खूब लंबी उम्र करे परमात्मा। आई लव यू। बहुत अच्छी, बहुत मजे की बात। अब हम जा रहे हैं कैमल सफारी के लिए, चले मम्मी। तुम्हारा भाई बैठ रहा है फुल एकदम फॉर्म में। हम बोले आपके, चलो हो गया हो गया। चलो नाम क्या है इसका? इसका नाम बबलू है। बबलू? हाँ बबलू बचा लेगा ना? बबलू बचा लेगा। गिराएगा बबलू? नहीं गिराएगा। पक्का? पक्का। और मम्मी और मैं बैठ चुके हैं कैमल पे और इसका नाम है बबलू। मैंने पकड़। ओए अबे रुक जा प्रशांत, अबे कह रहा है कैमरा पकड़, अभी एकदम से उठा गिर जाता मैं, सारा महीना निकल जाता अभी। ओ भाई साहब, पांचवी मंजिल पे बैठा हूँ मैं। और भाभी वो बैठी है, भैया रील बना रहे भाभी की। ये देखो भाई साहब कैसा लग रहा मम्मी। भाई साहब रेत में, ओ ओ भाई साहब, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब हम चढ़ेंगे इस रेत पे ऊपर ऊपर। वो देखो सामने व्यू कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है यार, इतना प्यारा। ये बैठी है इधर भाभी जी, अमित भाई और प्रशांत इधर। आज हमारी भाभी थोड़ी अकेले हो गई है अमित भाई की गलतियों की वजह से। वो गलती कैसे, भाभी ने बोला मैंने अकेले बैठना और वो ऊँट उठ गया, फिर बैठ नहीं पाए। ये दोनों कर रहे हैं सीट चेंज, ये देखो। ओ गया गया गया, ओ बच। ओ भाई प्रशांत अभी हो जाती फिल्म तुम्हारी। ये ऊँट ये कैसे बैठा है? तू ऐसे क्यों बैठा है? उर्मिला दी कह रही है ऐसा लग रहा है जैसे दो गधे एक साथ उठे हैं। अपनी वाली के लिए जगह छोड़ी हुई है। मेरी वाली आएगी, अगले साल आएंगे तेरी घर वाली के साथ, अपने पास बैठा लूंगा उसे। तेरी वाली फिर यहाँ बैठेगी। ऊंट ने कर दिया है रेत गीला और ये प्रशांत के काम है, तू ही कर रहा है ना ये बैठा बैठा नीचे रेत गीला। रेत हो रही है भाई बारिश। अब इसकी भोजपुरी फिल्म बनेगी ये देखो। ओ ओ पारस भाई मजा आ गया यार, थैंक यू सो मच ये सारा अरेंज करने के लिए यार। ओ भाई साहब ये ये कौन सी बकरी का बच्चा है? ये तो खड़ी हो गया तू। ओ भाई साहब वो तेरी हो। अबे मेरे भाई फाड़ेगा क्या? ओ भाई वो तेरी हो, तेरी हो, तेरी। ओ ओ ओ ओ भाई ओ, अबे भाई फाड़ रहा है क्या? अबे तेरी। अरे मेरे मेरे मुंह में धूल घुसी। मम्मी कैसा लगा? बहुत मजेदार। ओ भाई साहब मजा आ गया। ये एंजॉयड वेरी मच।
तुम एक बात बताओ, तुम हर बात पे इंग्लिश क्यों मारती हो? आती जाती है। और ये पहुंच चुके हैं हम अपने कैंप। ये देखो बाहर से कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। और ये रही अपनी स्कॉर्पियो। ये देखो भाई लोग कैंप का रात का व्यू। ये देखो दिन में मैंने आपको बाहर से इसलिए दिखाया था क्योंकि प्रॉपर लाइटिंग नहीं होती। अब देखो कितना प्यारा लग रहा है। डेजर्ट सफारी के बाद चाय पकौड़ी खाने में अलग ही मजा आ रहा है। ये वहां सो गई थी, अब उठी है, देखो इसे। और यहाँ बढ़ गई है ठंड, इसलिए हम दोनों ने कपड़े कर लिए चेंज। और हमारे पीछे थोड़ी ही देर में होने वाली है जबरदस्त परफॉर्मेंस। और यार ये लोकेशन इतनी ज्यादा प्यारी है ना भाई साहब, इतनी बढ़िया वाइब दे रही है जैसलमेर की एकदम गजब। हम विनय ठाकुर के जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? आहा विनय ठाकुर, आपका नाम विनय ठाकुर जी? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा विनय ठाकुर साहब जी? हाँ जी। रात होते ही सारी उतर जाएगी, तेरी नजरों से पी है खुदा की कसम, उम्र सारी नशे में बीत जाएगी। यहाँ की आमने जबरदस्त डांस और गाना चल रहा है, बंदूक चलेगी तेरा बंदूक चलेगी। अब हम करेंगे डिनर। ये आज का अपना डिनर। इतना खा लेगा और क्या? और भाई साहब आप क्या कर रहे हो? ये भी खाना खा रही है। ओ खाना खा लो, खा लो। गुड मॉर्निंग भाई लोग, ये है सुबह का नजारा। यहाँ पे व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं क्योंकि ठाकुर साहब हमारे सो रहे हैं मस्त, और ये नीचे सो रहा है प्रशांत। मम्मी ने इनसे रेत मंगाई है साफ, ब्रश करने के लिए रेत से। कैसा लग रहा है रेत से ब्रश? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा होता है ये करना? दांत टूट के हाथ में आ जाते होंगे। मेन जो ट्रैवलर है ना, जो कार चला के आया है, मस्त सो रहा है, इसको परेशान नहीं करना, क्योंकि ये अगर उठ गया तो ये फिर हमें परेशान कर देगा। ये देखो मम्मी इसकी कैसे हाजिर है, ही कर गई। अरे ये देखो ठाकुर साहब उठ गए। ये देखो फोटो पे लगा रहा है, कुछ बताएगा नहीं तुम्हें क्या राज है पिंक ऑटो का? मैं नहीं बताऊंगा। और ये चेहरे पे ग्लो का भी राज नहीं बताएगा। भाई गला दुख रहा है मेरा, गला दुख रहा है बहुत ज्यादा। इसका गला दुख रहा है, इसके गले में रेत घुस गई। कल वो डेजर्ट सफारी में चिल्ला रहा था ना मैं, उसकी वजह से दुख रहा है। और यहाँ पे ना रात में नॉर्मल पानी, ठंडा पानी लग रहा था, और भाई नाक से पानी चल रहा है, गला दुख रहा है बहुत ज्यादा। नाक से पानी चल रहा है तो बाल्टी भर दे, नहा लियो फिर। तुम हम ऐसे ही नहाते हो क्या? मैं तो नहीं नहाता। तुम और भाभी ऐसे ही नहाते हो जो खाम जो होता है दोनों को। कैंप में मस्ती करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस से जोधपुर। और आप कभी भी जैसलमेर आओ, पारस भाई का रिजोर्ट जरूर विजिट करना। पारस भाई हमारा रिजोर्ट विजिट करना, जो भी विनोद भाई विनय भाई का नाम देगा उसको मैं फुल डिस्काउंट दूंगा। तो कभी भी आओ आप जैसलमेर तो पारस भाई को कांटेक्ट कर लेना यार। बढ़िया लगा मुझे, मतलब पहली बार आया मैं जैसलमेर, काफी इंजॉय करा हमने। और ये दीदी को देखो रास्ते में से पत्थर चोरी करते हुए छोटे छोटे। मम्मी ने बोला उठाने के लिए। क्या करोगे इसका, क्या करेंगे? अरे ये होता है मतलब हाथ पैर वगैरह साफ करने के लिए। अच्छा, और जी एक चीज देखो, यहाँ का पत्थर का है ही गोल्डन ही है, यहाँ का पत्थर पूरा, तभी तो गोल्डन सिटी है। दी रख लो पत्थर, वैसे बालकनी में रख लेना अपनी, जैसे किसी लड़ाई वड़ाई होगी ना सीधा सर में ये फेंक के मारा। और ये हमारी गुड़िया गाड़ी में परमाणु बम छोड़ते हुए सबको परेशान कर रही है। और गुड़िया चला रही अपना फोन, ओहो वीडियो बना रही है भाई, ट्रैवल व्लॉगर बनेगी ये पक्का। आज इस लड़की का फ्यूचर बता दिया मैंने, ये बनेगी ट्रैवल व्लॉगर, हर व्लॉग में आगे के दो दांत दिखाएगी छोटे छोटे। और इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।